इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम आज हुए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के बारे में, क्या क्या हुआ फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो में, क्या क्या देखने को मिला, सब बात करने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के साथ बने रहना पूरे एंड तक, और अगर चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो WWE की हर एक न्यूज़ अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। शो की जो शुरुआत होती है वो काफ़ी कमाल की होती है। शो की शुरुआत में हम देखते हैं रिनी यंग होती है रिंग के अंदर, और बाहर होते हैं कुछ रेसलर्स खड़े हुए जिसमें डैनियल ब्रायन भी होते हैं। बीच में पड़ी होती है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जो कि ऑब्वियसली एजे स्टाइल ने जीती है कुछ हफ्ते पहले, कपल ऑफ वीक्स पहले। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एजे स्टाइल आते हैं, रिनी यंग उन्हें चैंपियनशिप प्रेजेंट कर रही होती है, बट एजे स्टाइल बोलते हैं कि नहीं, उन्हें उनके हाथ से नहीं लेनी है, उन्हें लेनी है ये डैनियल ब्रायन के हाथ से। और वो डैनियल ब्रायन को वहाँ पर पिच करते हैं कि वो किसी तरीके से उन्हें इस चैंपियनशिप को प्रेजेंट करें, और ना सिर्फ प्रेजेंट करें बल्कि वो उनकी कमर में उस चैंपियनशिप बेल्ट को बांधे भी खुद। तो डैनियल ब्रायन आते हैं अंदर, और काफ़ी वेट करने के बाद वो जो है चैंपियनशिप बेल्ट को बांधते हैं एजे स्टाइल की कमर में। उसके बाद हम देखते हैं कि एजे स्टाइल बोलते हैं कि तुम कुछ वर्ड्स बोलो मेरे बारे में, चैंपियनशिप प्रेजेंट करने के बारे में, थैंक यू वगैरह अप्रिशिएशन कुछ दो। और डैनियल ब्रायन थोड़ी बहुत तारीफ़ करने के बाद बोलते हैं कि तुम ग्रेटेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन सकते हो अगर तुम हर हफ्ते जो है अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करो हर एक रेसलर के साथ जो कि डिज़र्व करता है। वहाँ पर एजे स्टाइल बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे जैसा चैंपियन नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसे ही मौका दूंगा जो डिज़र्व करता है, जो नंबर वन कंटेंडर बनेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर आते हैं मैथ रिडल। फाइनली मैथ रिडल का जो है वो डेब्यू यहाँ पर दिखाया जाता है। काफ़ी हफ्तों से वेट कर रहे थे सब, यहाँ पर मैथ रिडल का डेब्यू होता है जो कि ऑलरेडी WWE ने एडवर्टाइज़ कर दिया था इस स्मैकडाउन के लिए। तो मैथ रिडल का म्यूज़िक हिट होता है, वो आते हैं रिंग के अंदर। उसके बाद मैथ रिडल काफ़ी कमाल की वहाँ पे बातें करते हैं और बताते हैं किस तरीके से वो शो को रन करने वाले हैं आगे आने वाले समय में। और एजे स्टाइल वहाँ पर अटैक करते हैं मैथ रिडल पे, जिसके एंड में हम देखते हैं कि अपर एंड मैथ रिडल को मिल जाता है। उसके बाद देखते हैं कि एक मैच वहाँ पर ऑफिशियल हो जाता है उसी वक्त दोनों के बीच। पहले तो जो अनाउंसर होते हैं वो बता रहे होते हैं कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए होने वाला है, बट एजे स्टाइल जो है उनके हाथ से माइक ले लेते हैं। वो काफ़ी कमाल का सेगमेंट था, वो जैसे ही बोल रहे होते हैं कि दिस मैच विल बी एन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच, तो एजे स्टाइल उनसे जो है माइक ले लेते हैं और बोलते हैं कि नहीं, ये टाइटल के लिए नहीं होने वाला है, ये एक नॉर्मल मैच होगा। तो वो वाला मोमेंट मेरे को काफ़ी मज़ेदार लगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये मैच चलता है, काफ़ी कमाल का मैच होता है, दोनों ही काफ़ी कमाल के टैलेंटेड रेसलर्स हैं जो कि हम सबको पता है, काफ़ी कमाल का मैच होता है। हमें मैच के बीच में देखते हैं बैरन कॉर्बन के साथ यहाँ पर मैथ रिडल थोड़ी बहुत उनके बीच में कुछ चलता है, एंड देन बाहर हमें देखते हैं कि डैनियल ब्रायन के साथ एजे स्टाइल का चलता है, जिसके एंड में हम मैच में देखते हैं कि एंड में हमें मैथ रिडल यहाँ पर जीत जाते हैं, और मैथ रिडल अपना वही फिनिशिंग मूव लगाते हैं और इस मैच को वो जीत जाते हैं। तो यहाँ पर मैथ रिडल के लिए चीज़ें क्लियर हैं कि वो एजे स्टाइल के साथ नहीं आने वाले हैं फ्यूड में, वो आने वाले हैं बैरन कॉर्बन के साथ फ्यूड में, जो कि इस मैच में WWE ने हमें दिखा दिया है या हिंट कर दिया है ये कह सकते हैं हम। और एजे स्टाइल अभी भी डैनियल ब्रायन के साथ फ्यूड कंटिन्यू करने वाले हैं आगे आने वाले समय में। और इसी तरीके से ये सेगमेंट एंड होता है। मैथ रिडल को सारे जितने भी बाहर लंबे जैक्स कह सकते हो आप कि खड़े होते हैं रिंग के बाहर, वो सब आते हैं और फिर वहाँ पर सेलिब्रेशन वगैरह चलती है मैथ रिडल की इस जीत की। अलावा वाले मैच अगर बात करें तो इसके अलावा शॉर्टी जी का मैच होता है मोजो राली के साथ, जहाँ पे शॉर्टी जी पिनफॉल के सहारे इस मैच को जीत जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मिस टीवी में आती हैं मैंडी रोज़ होती हैं उनकी स्पेशल गेस्ट आज के शो में, जहाँ पर वो मैंडी रोज़ की बुराइयाँ वगैरह कर रहे होते हैं जो कुछ भी चल रहा है उनके पिछले कुछ समय से उनके और ओटिस के बीच। और उसके बाद देखते हैं कि सोनिया डेविल वहाँ पर आती है। सोनिया डेविल बोलती है कि तुम्हें सारी स्पॉटलाइट मिल रही है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तुम्हारे साथ ये सब क्यों हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर दोनों के बीच में काफ़ी बातें चलती हैं। उसके बाद देखते हैं कि दोनों के बीच में एक छोटा सा ब्रॉल होता है, जिसके एंड में अपर हैंड मिलता है यहाँ पर मैंडी रोज़ को। सोनिया डेविल चले जाती है बाहर, उसके बाद मैंडी रोज़ वहाँ पर एक स्लैप भी करती है मिस को, और उसके बाद वो भी चले जाती है रिंग के बाहर। इसके बाद न्यू डेज़ का मैच होता है लूचा हाउस पार्टी के साथ, जिसके एंड में हम देखते हैं कि न्यू डेज़ इस मैच को जीत जाते हैं पिनफॉल के साथ। और उसके बाद देखते हैं कि हम शिंसुके नाकामुरा और सिज़ारो आते हैं। जैसे ये मैच एंड होता है सिज़ारो और शिंसुके नाकामुरा आते हैं और वो दोनों अटैक करते हैं इन सब के ऊपर, और उन्हें अपर हैंड मिलता है इस अटैक में। सो चीज़ें साफ़ है कि यहाँ पर न्यू डेज़ के साथ जो है वो अब सिज़ारो और शिंसुके नाकामुरा आने वाले हैं टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि इसी मैच के अंदर साशा बैंक और बेली जो है वो कमेंट्री कर रहे होते हैं, और मैच जैसे ही एंड होता है ये सब सेगमेंट एंड हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि निकी क्रॉस आती है पीछे से और वो अटैक करती है दोनों ही टैग टीम चैंपियंस के ऊपर, और फिर हम देखते हैं कि निकी क्रॉस चैलेंज कर देती है साशा बैंक को एक मैच के लिए। दोनों के बीच मैच होता है, जिसके एंड में ऑब्वियसली साशा बैंक इस मैच को जीत जाती हैं।
इसके अलावा एक सेगमेंट आता है जहाँ पे शीमस से पूछा जाता है वही सब जो वो मैच हारे हैं शीमस के साथ और इस फ्यूड के बारे में। तो कुछ खास ये सेगमेंट होता नहीं है, बट इस सेगमेंट के अलावा एक और सेगमेंट भी होता है जहाँ पे शीमस से पूछा जाता है जेफ हार्डी के इस सेगमेंट के बारे में। तो शीमस इन दी एंड यही चीज़ बोलते हैं कि वो अगले हफ्ते एक टोस्ट पार्टी काइंड ऑफ चीज़ जो है वो थ्रो करने वाले हैं जेफ हार्डी के लिए। तो वहाँ पर कुछ सेलिब्रेशन काइंड ऑफ पार्टी काइंड ऑफ चीज़ होने वाली है, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। और ये राइवलरी जो है वो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको कि ये कंटिन्यू होने वाली है अभी भी। तो देखना होगा अगले हफ्ते किस तरीके से WWE इस राइवलरी को एक अलग शेप देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मेन इवेंट का समय होता है जब फायरफ्लाई फन हाउस वाले ब्रे वायत होते हैं, उनका वही सेगमेंट चलता है फायरफ्लाई फन हाउस वाला। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो बोल रहे होते हैं उस मैच के बारे में, वो बताते हैं कि वो कुछ टिकटॉक के मूव्स सीखे हैं नए, तो वो काफ़ी फ़नी सी चीज़ों के साथ शुरू करते हैं अपना सेगमेंट जो कि वो ऑलरेडी हमेशा ही करते हैं इस सेगमेंट के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमैन इस सेगमेंट को इंटरप्ट करते हैं, वो रिंग के अंदर आते हैं और वो बताते हैं कि तुम ऑलरेडी हार चुके हो इस चैम्पियनशिप मैच को और हमारे बीच में जो भी था वो सब अब ओवर हो चुका है। उसके बाद इस बात का जवाब देते हैं ब्रे वायत और वो बताते हैं कि हमारे बीच में कुछ ओवर नहीं हुआ है, अभी जस्ट स्टार्ट ही हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि फायरफ्लाई फनहाउस वाला सेगमेंट जो है वो वहीं एंड काइंड ऑफ हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर हमें पुराने वाले ब्रे वायत नज़र आते हैं, जो कि जो आपको पता है कि ब्रे वायत और ब्रॉन स्ट्रोमैन की हिस्ट्री दोनों ही एक ही पार्ट एक ही ग्रुप का पार्ट थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहां पर वही वाले ब्रे वायत हमें नज़र आते हैं। अब सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फिंड यहां पर आएंगे, बट वो नहीं आते हैं, यहां पर आते हैं पुराने वाले ब्रे वायत। अब ये एक्सपेक्ट तो किसी ने नहीं किया था, मैंने भी नहीं किया था, आई नो आपने भी नहीं किया होगा। क्या ये अच्छा हुआ है? बट मेरे हिसाब से आई थिंक मैं तो यही बोलूँगा कि ये चीज़ पहले करानी चाहिए थी WWE की जब इन दोनों के बीच में राइवलरी स्टार्ट हुई थी। फायरफ्लाई फनहाउस वाले कैरेक्टर का इसमें डालने का कोई मतलब बनता नहीं था, पहले उन्होंने उस कैरेक्टर को डाला, उसके बाद अब ये वाला कैरेक्टर डाल दिया है। अब आई डोंट नो कहाँ ये चीज़ जाने वाली है। तो ये वाला सेगमेंट जब एंड होता है तो ब्रे वायत वही वाले पुराने वाले आते हैं और वहीं पर इस वाले सेगमेंट को जो है वो एंड कर देते हैं। तो चीज़ें साफ है कि ब्रे वायत के साथ अब इनका मैच होने वाला है ब्रॉन स्ट्रोमैन का, जो कि ऑब्वियसली एक्सट्रीम रूल्स में होगा। तो वहाँ पर क्या ये हराने वाले हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन को, या वहाँ पर भी ब्रॉन स्ट्रोमैन मैच जीतेंगे? और उसके बाद फिर हमें समर स्लैम में इन दोनों के बीच में मैच देखने को मिलेगा जहाँ पे फिंड आपको नजर आएंगे। तो क्या ये करेगी WWE या फिर ब्रे वायत उन्हें हरा देंगे इस मैच में, जो कि एक्सट्रीम रूल्स में पॉसिबली होगा? तो ये चीज़ रहेगी इंटरेस्टिंग देखने के लिए। बट ओवर की शो की अगर ओवरऑल बात करें तो आई थिंक अच्छा शो था, इतना कोई ख़राब नहीं था। शुरू की जो ओपनिंग थी वो काफ़ी कमाल की थी, मैथ रिडल एंड ऑल वाली, तो वो वाला जो सेगमेंट था आधा शो उसी सेगमेंट की वजह से ख़त्म हो गया था, तो वो मेरे ख्याल से आज का शो का सबसे अच्छी चीज़ थी। इसके अलावा एंड थोड़ा सा ठीक था कह सकते हैं, बाकी कुछ शो पे कुछ खास था नहीं। तो शो ये एंड हो जाता है यहीं पर और वीडियो को भी यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आपको ये शो कैसा लगा है मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। सो अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन।